नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा था। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू इसी दिल्ली व्लॉग। भाई आज हम आए हैं रस्ट टू फ्लाई यानी गुरुग्राम सोना रोड पे। यहाँ पे आज फ्लाइंग करने वाले हैं, एयर सफारी करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कहाँ गई अपनी, ये है, इसे एयर सफारी कहते हैं। मतलब ये आपको उड़ाएगी और पैरा मोटरिंग कह सकते हैं आप। मतलब इसमें मोटर लगी होती है, पैराग्लाइडिंग के तरीके से उड़ता है ये। तो भाई बहुत ही गजब का होने वाला है, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस दिल्ली के नज़दीक। अगर आप भी अपनी महिला मित्र को लेके आना चाहते हैं तो भैया एक बार उड़ा दो, फिर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी आपको। तो चलिए आज का ये व्लॉग बहुत ही अलग, अतरंगी और मज़ेदार होने वाला है। और अगर एडवेंचर के शौकीन है तो भाई आपको जरूर यहाँ पे आना चाहिए। बाकी लास्ट तक देखिए, आपको प्राइस वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, मतलब पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये अपना पैरा मोटरिंग वाला सिस्टम है और काफ़ी महंगा आता है। मैंने अभी पता किया, लगभग 25 लाख रुपये का है ये सिस्टम। और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये इन्होंने मंगाया है। यहाँ पर पैरा मोटरिंग कहते हैं और यहाँ पर दो लोग बैठते हैं, बट आगे एक सवारी बैठेगी और यहाँ पे जो अपने पायलट होते हैं वो बैठते हैं। तो अभी मैं आपको इससे कंट्रोलर दिखाता हूँ कैसे इसे चलाया जाता है। वैसे मुझे चलाना नहीं आता, मगर यहाँ सीखने के लिए भी आ सकते हैं। ये है यहाँ पे, ये ना ये एस्केलेटर है, मतलब हाँ तेज भगाने के काम आता है। और इसमें ये है कंट्रोलर, जिससे अगर आपको इधर उधर घुमाना है यानी पैराग्लाइडिंग को इधर उधर घुमाना है किसी दिशा में ले जाने के लिए, इसका यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और ये भी है पैराग्लाइडिंग को घुमाने के लिए। देखो इधर उधर खींचेंगे जैसे रस्सी को, तो इधर उधर जाती है, दोनों तरफ दिया गया है, एक एक हैंडल की तरफ समझ लो। ये इधर रहे ना, ये क्या है, ये रहे ना। अच्छा ये आपको स्पीड वगैरह बताता है। वो काफ़ी कुछ दे दिया है इसके अंदर, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे तो। ये भैया कब आया था ये, कितने टाइम पहले ये वाला? 2 वीक हो गए। 2 वीक हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही नया है एकदम। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, पुराने वाले कहाँ चले गए? पुराने वाले सब घर उनकी छुट्टी हो चुकी है। अच्छा एक साथ दो लोग उड़ सकते हैं इसमें, एक साथ दो लोग? पायलट जाता है, एक पैसेंजर जाता है ना। अच्छा डायरेक्ट पैसेंजर दो नहीं उड़ सकते? नहीं नहीं, पायलट जरूरी। और कितना टाइम लगता है भैया सीखने के लिए, अगर कोई सीखना चाहता है तो? 10 डेज। 10 डेज में सीख जाएंगे? बिल्कुल। क्या बात है, यू आर परफेक्ट पायलट बन जाओगे आप लोग। और कोई लाइसेंस वगैरह मिलता होगा इसका? मिलता है, लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस भी मिल जाएगा जी। तो ये देखो भैया एक उड़ने जा रहे हैं और उन्होंने अपना गोप्रो ले रखा है, वीडियो बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ बैक टू बैक ऐसे उड़ाए जाते हैं। अभी देखो उड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पीछे जो बैठे हुए हैं अपने पायलट भैया हैं और आगे एक अपने पैसेंजर भाई। मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। ओ स्टार्ट हो गई। यहाँ तक आ रही है, सोचो कितनी बड़ी पंखड़ी है, एकदम हेलीकॉप्टर वाली फील आती है। बहुत तेज हवा आती है, मजा बहुत आएगा। मजा आएगा ना? ओ देखो वो गए, वो भाई ऐसे चुटकियों में, मतलब सेकंडों में ऊपर चले गए। मजा बहुत आने वाला है। आने वाली है। देखो भाई ऊंची उड़ान भर के चले आए। अब देखो कैसे उतरती है। ए जुम, ओए 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 आ गए। ये देख रहे हो, मस्त एक्सपीरियंस भाई। देखो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मजा आ रहा है देखने में। अभी ये देखो हवा है इस समय, तो अभी तक ये फ्लाई कर रहा है ये। और इसे उतारने का भी एक स्किल होता है कि बिल्कुल सीधा उतरे और इसे उलझे ना, ये जो धागे होते हैं इसके अंदर। ये देखो धागे होते हैं ना, बहुत सारे धागे होते हैं, इन्हीं पे फ्लाई करता है ये पूरा। तो भाई तैयार हैं राजकुमार भाई, अब ये फ्लाई करने जा रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ऊपर जाने के बाद लग रहा है बहुत मजा आएगा, तो बैठा नहीं कम से कम यहाँ तो घूम रहे हैं। फर्स्ट टाइम फ्लाई करने जा रहे हैं राजकुमार भाई, चलो जाओ। ये लो भाई फ्लाई करके आ चुके हैं नीचे। वो मस्त एक्सपीरियंस कैसा रहा राजकुमार? बहुत मजा आया, डर भी लग रहा था। डर लग रहा था ऊपर जाकर, जब ऐसे कर रहे थे तब लग रहा था, बाकी तो ठीक है।
तो भाई लग रहा था ज्यादा नहीं, ये आ गए राजकुमार भाई मजे करके, बहुत लग रहा था ऊपर, मजा आया ऊपर ही बस, मतलब नीचे उतरने का मन ही नहीं, नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा था। काफी देर फ्लाई करके यार बहुत दूर गए थे तुम, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ऊपर गए थे। ये देखो अभी ये वाले भैया गए थे उड़ने, अब राजकुमार भाई गए हैं, अब ये तैयारी कर रहे हैं और बीच में मैं भी जाऊंगा अभी इसी में। यहाँ से जब उड़ते हैं थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, फिर ये फील होता है कि हम जहाज में कैसे उड़ते हैं, क्योंकि ओपनली है ना, अनसिक्योर फील इसलिए करते हैं। भैया तो ऑलरेडी हेलमेट वही रह जाओ, थोड़ी सी ऑलरेडी हेलमेट वगैरह पूरे प्रोटेक्शन के साथ पूरा सारा गांव सब दिखता है, पूरा गांव दिख रहा था वो, तो अब मैं जाऊंगा तब दिखाऊंगा ना भाई। मैं तैयार हो गया हूँ फ्लाई करने के लिए, हेलमेट वगैरह मैंने पहन लिया है और ये अपना पैरा मोटर खड़ा है यहाँ पे, एयर सफारी कहते हैं ना भैया, पैरा मोटर एयर सफारी। और यहाँ पे मैं अभी डिटेल से आपको बताता हूँ, मैं आगे बैठने वाला हूँ और पीछे एक और सीट लगी होती है जहाँ पे अपने पायलट साहब बैठते हैं जो अपने को उड़ाते हैं, और इसके पीछे ये अपना इंजन होता है और साथ में ये बहुत सारे धागे लगे होते हैं, ये देखो आपको दिखाता हूँ, और इन्हीं धागों पर हम फ्लाई करने वाले हैं। देखो कितने पतले पतले धागे हैं, और ये बहुत सारे धागे हैं, लगभग होंगे 40-50 धागे, और ये हमें उड़ाने वाले हैं, इन्हीं पे सवारी करने वाले हैं हम एयर सफारी की। तो आ जाओ अपने पायलट साहब को मिलवाता हूँ, ये अपने हैंडसम से पायलट साहब, चलिए भैया सेफ लैंडिंग करवाना मेरी। देखो सामने आपको पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, तो शायद मेरी आवाज़ उतनी क्लियर ना आ रही हो। यहाँ पे आपको सड़कें ओ ओ ओ ओ ये जब जब चेहरा करते हैं बहुत डर लगता है। देखो और सामने देखो सड़क कैसी दिख रही हो, जहाँ सामने अभी लैंड करने वाले हैं, देखो जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहीं पे हम लैंड करने वाले हैं। ये नीचे आने वाले आने वाले आने वाले आने वाले आ गए, हट जाओ हट जाओ, आ गए भाई नीचे, बहुत मज़ा आया है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा मज़ा, इससे ज़्यादा एडवेंचर आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है।
और लगभग 1000 फीट की हाइट पे हम गए थे। जब उड़ान भरते हैं तो बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है पूरी बॉडी के अंदर, और जब ये ऐसे टर्न लेते हैं तब सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो आपको फुल एक्सपीरियंस दे दिया मैंने। बाकी अब चलते हैं, बात करते हैं भैया से और मैं आपको प्राइस वगैरह यहाँ के बताता हूँ, कैसे बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी देख लो, ये था अपना पैरा मोटर। अब ये डंडा हटा देते हैं, बीच में मेरा हाथ आ रहा है, हर तब से आप यही देख रहे होंगे। तो भाई एयर सफारी करने के लिए मैं आया था, तो यहाँ पे ये भैया हैं जो फ्लाई कराते हैं और ये हैं यहाँ के ओनर, और इनसे मैं अभी पता करता हूँ कि अगर कोई आना चाहता है तो क्या एड्रेस होगा। भैया बताइए यहाँ का एड्रेस। यहाँ आने के लिए आपको, अगर आप मेट्रो से आते हैं तो लास्ट मेट्रो स्टेशन है उडा सिटी सेंटर, वहाँ से आपको कैब लेना होगा। हाँ। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं रस्टू फ्लाई। हाँ, तो लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो लोकेशन देख के आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और मैं आपको जो मेन आप जानना चाहते थे वो मैं आप पता करके बताता हूँ, क्या खर्चा आता होगा करने के लिए और कितने प्रकार की यहाँ पे राइड्स हैं। यहाँ पे जो हमारी बेसिक राइड है वो 6 to 8 किलोमीटर की राइड है, 800 फीट के आसपास हाइट होगी, 2500 रुपीज पर पर्सन। 6 to 8 किलोमीटर 2500। अगर किसी को GoPro चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आएंगे 600 रुपीज पर पर्सन। और कौन कौन सी राइड है आपके मतलब? और 12 to 14 km है, उसमें हाइट होगी आपकी 1200 फीट के आसपास, 4000 रुपीज पर पर्सन। नेक्स्ट है 18 to 20 किलोमीटर, उसमें आपकी हाइट होगी 1500 फीट। और जो हमारी सबसे बड़ी राइड है 25 to 30 किलोमीटर, 10,000 रुपीज़ पर पर्सन, उसमें आपकी हाइट होगी 2000 फीट। 2500 रुपये लगने वाले हैं आपके, कम से कम मतलब पैसों में आप फ्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी मैं भैया से कहता हूँ, आप अगर आते हैं मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से, इसी दिल्ली ब्लॉग से आए हैं आप देख के, तो ऐसा आप बोलेंगे तो भैया डिस्काउंट देने वाले हैं भैया, 10% डिस्काउंट, क्या बात है। तब तो अच्छा खासा डिस्काउंट, यानी आपको लगभग 2500 रुपये का पड़ जाएगा एक फ्लाई, तो वैसे 2500 रुपये का आपको पड़ने वाला है। तो आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, बुकिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं भैया ये बताओ। बुकिंग आप बुक माई शो से कर सकते हैं। अच्छा। और हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, रस्टू फ्लाई भैया की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं। बाकी bookmyshow.com वहाँ पे इजीली सबको पता होता है, bookmyshow.com, तो वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, कोई डायरेक्ट आके भी क्या फ्लाई कर सकता है? डायरेक्ट आके अगर पॉसिबल होगा, हमारे पास स्लॉट अवेलेबल होंगे तो हम करा देंगे। अच्छा, प्री बुकिंग कंपलसरी इसीलिए होता है हमारा, क्योंकि अगर स्लॉट हमारे फुल हो गए तो हम उनको राइड नहीं करा पाएंगे और उनका टाइम वेस्ट जाएगा और उनका आना जाना वेस्ट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बुक करके ही आना अगर आपको आना है। बाकी कॉल करके भी तो आपसे स्लॉट ले सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, कॉल करके स्लॉट ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा आपको, स्क्रीन पे भी नंबर दिख जाएगा, तो आप कॉल करके भैया से डायरेक्ट स्लॉट बुक कर लीजिए, तो आपको कोई स्पेशल बुकिंग लेने की जरूरत नहीं, सबसे ईजी तरीका आपके लिए हो जाएगा। और ये भैया हैं यहाँ पे फ्लाई करा रहे हैं। भैया कितना एक्सपीरियंस होगा आपको फ्लाई करने का? मेरी को हो गया 5 साल से करा रहे हैं यहाँ पे। 5 साल से मतलब कितनी फ्लाई आपने करा ली होगी, कितने लोगों को? मैंने करा ली होगी 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास फ्लाई करा लिया, तो भैया सेफ हैंड में हो आप, ये चीज़ अच्छी है। मैं भी उड़ने से पहले पूछ रहा था भैया सेफली लैंड करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे जो पायलट हैं एशिया लेवल के पायलट हैं, इनके पास लाइसेंस है और हमारे पास प्रॉपर परमिशन है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और सेकंड चीज़, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं इटालियन इक्विपमेंट्स हैं, फ्लाई प्रोडक्ट कंपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है। और आपने प्राइस बताया था, एक बार फिर से सबको प्राइस बता दी, क्या प्राइस का है अपना ये जो इक्विपमेंट जो हमारा है ये 25 लाख रुपीज का है। तो देखो मस्त वाला है, यानी इंडिया में तो बहुत कम होंगे ना ऐसे? इंडिया में आई थिंक 1-2 इक्विपमेंट ही है। ओ तो ये चीज़ और अच्छी है कि आप मतलब यूनिक चीज़ देखने वाले हैं, वो भी दिल्ली के आसपास में, मतलब गुरुग्राम सोना रोड पे है ये, और सोना बस अड्डा शायद 3-4 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर सोना बस अड्डा अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई प्री वेडिंग वगैरह के लिए बुक करना चाह रहा है तो ऐसा क्या सीन होता है उसके लिए? उसके लिए हम फ्लोर पे नीचे डिज़ाइन करते हैं, पहले ग्राउंड को हम क्लीन करते हैं। हाँ। उसके बाद फिर ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उसके ऊपर पाउडर फ्लावर से वो सब हम करते हैं। हाँ। और फिर उसके ऊपर लिखते हैं जो भी हमें मैटर मिलता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, नाम, हार्ट, स्माइल, सिंबल, जो भी आप करवाना चाहते हैं। मतलब पूरी डेकोरेशन यहीं पे हो जाएगी, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो प्री वेडिंग के लिए भी बुकिंग ले सकते हैं, बाकी और भी बर्थडे वगैरह के लिए भी लोग आते होंगे, बर्थडे वगैरह के लिए बढ़िया। बाकी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ यूनिक है, और बाकी एडवेंचर के शौकीन है तो आ ही सकते हैं। मोटर ग्लाइडिंग कहते हैं, पैरा मोटर ग्लाइडिंग तो ये काफ़ी बढ़िया रहा। तो भैया मिल के अच्छा लगा, और बाकी फ्लाई करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और 2500 रुपये वैसे कीमत है, बाकी आपको 2250 रुपये में मिल जाने वाला है। AC दिल्ली ब्लॉग बता के आते हैं तो आपको 2250 रुपये में फ्लाई करा देंगे।
तो चलिए देखते रहिए ऐसे दिल्ली व्लॉग और मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार नए व्लॉग के साथ। मैं मजेदार और एडवेंचरस वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपके लिए और भी मजेदार वीडियो आने वाली है, देखते रहिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो भाई फ्लाई करने के बाद लास्ट तक मैं रुका हुआ था, तो देखो इसे कैसे लेके जाते हैं, ट्रैक्टर में लगा के और इसे लेके जाते हैं। और इनके पास ऐसे कई सारे और भी पैरामोटर हैं यहाँ पे, तो अगर वन टाइम में अलग अलग पैरामोटर से भी फ्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे मतलब मज़ेदार है, देखने में कुछ अद्भुत है। तो लास्ट तक मैं रुका रहा देखने के लिए कैसे लेके जाएंगे इसको, क्योंकि नॉर्मल रोड्स पे तो चलेगी नहीं है और उड़ाते हुए लेके जा नहीं सकते, इसे घर पे उतार दें सीधा। अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है। और ये देखो ये एरिया है जहाँ से ये फ्लाई करवाते हैं, मस्त जगह है।